आज हम गोभी का पराठा बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 2 कटोरी आटा लिया, 1 बाउल गोभी जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, अदरक का 1 छोटा टुकड़ा इसे भी मैं ग्रेट कर लूंगी, हरी मिर्ची 2 जिसे बारीक बारीक कट कर लिया है, नमक स्वाद के अनुसार, अजवाइन 1 टीस्पून, हींग 1 टीस्पून और कुकिंग ऑयल। सबसे पहले हम आटा को गूंथेंगे, इसके लिए 1/2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल इसमें मिलाएंगे, नमक स्वाद के अनुसार मिलाएंगे, इसे अच्छे से मिला देंगे। अब पानी डाल के इसे गूंथ लेंगे। आटा हमने तैयार कर लिया है, अब हम गोभी को फ्राई करेंगे। पैन में 2 टीस्पून तेल मैंने गरम कर लिया है, अब इसमें हरी मिर्च डालेंगे, हींग, अदरक जिसे ग्रेट कर लिया वो डालेंगे और अजवाइन डाल देंगे। नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। अगर आपको मन हो तो थोड़ा सा हल्दी भी डाल सकते हैं। मसाला फ्राई हो गया है, अब इसमें हम गोभी जिसे ग्रेट किया है उसे डाल देंगे। अच्छे से मिलाने के बाद अब आंच धीमी करके हम इसे ढककर थोड़ी देर छोड़ देंगे। 5 से 6 मिनट तक मैंने इसे ढक के रखा था, गोभी पूरा पक चुका है। अब इसे 1-2 मिनट खुला करके आप फ्राई कर ले। गोभी हमारा फ्राई हो चुका है, अब इसे हम गैस से उतार लेंगे। गोभी ठंडा हो चुका है, अब इसे हम आटा में स्टफ कर लेंगे। अच्छे से अब हम गोल बना लेंगे। पैन गरम हो चुका है, अब इसमें हम गोभी का पराठा सेकेंगे। गोभी पराठा दोनों तरफ से पक चुका है, अब इसे कुकिंग ऑयल डालकर हम अच्छे से सेक लेंगे। आप चाहे तो इसकी जगह शुद्ध घी भी डाल सकते हैं।